जैन साथियों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जीएस के पाठ्यक्रम के बारे में, साथ ही परीक्षा में कैसे सफल हुआ जाए इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार आता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कुल 150 प्रश्न आते हैं जो कि 300 अंक के होते हैं, और ये प्रश्न पत्र 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सामान्य हिंदी 37 प्रश्न, 74 अंक, सामान्य ज्ञान 38 प्रश्न, 76 अंक, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता 37 प्रश्न, 74 अंक, मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि एवं तर्क शक्ति 38 प्रश्न, 76 अंक। इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है जो कि 0.25 की है। अब हम लोग बात करते हैं अपने जीएस के पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी परीक्षा में सफल होने की अगर आवश्यक शर्त कहें तो वो उसका पाठ्यक्रम की जानकारी ही होती है कि आपको उस परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी है या नहीं है। क्योंकि परीक्षा में किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं, कौन सा विषय कितना महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। उसी आधार पर ही हम परीक्षा में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो जीएस का टारगेट रहेगा वो 32+ क्वेश्चंस को सही करना रहेगा ताकि हम अपने सिलेक्शन के और करीब पहुंच सकें। तो आइए जानते हैं अपना जीएस का पाठ्यक्रम क्या है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, हमारा जीएस का जो पाठ्यक्रम है इतने भागों में विभाजित है। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान। संविधान में 3 से 5 प्रश्न, संविधान में 3 से 5 प्रश्न। इतिहास काफ़ी बड़ा पाठ्यक्रम होता है इसका, एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, तो इसे हमें बहुत संक्षिप्त करके पढ़ना है क्योंकि अगर जीएस का आप पाठ्यक्रम देखेंगे तो जीएस का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा होता है। अगर इसको संक्षिप्त करके नहीं पढ़ेंगे, परीक्षा की मांग के अनुरूप नहीं पढ़ेंगे तो जीएस ही पढ़ते रहेंगे, अन्य विषयों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो आप अपने फिर सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो जाएंगे। इसलिए देखिए, पढ़ते सभी लोग हैं, सिलेक्शन किसका होता है, सिलेक्शन उसी का होता है जो स्मार्ट वे में पढ़ता है। तो देखते हैं, इतिहास में 3 से 5 प्रश्न, भूगोल में 2 से 4 प्रश्न, अर्थशास्त्र में 1 से 3 प्रश्न। बहुत ही डीपली अर्थशास्त्र में प्रश्न नहीं पूछता है, बहुत ही बेसिक सा या करंट से रिलेटेड भी हो सकता है। विज्ञान इम्पोर्टेंट है, 4 से 5 प्रश्न। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी से 2 पूछ रहा है तो एक एक इससे पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, ये देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस राज्य की आप परीक्षा दे रहे हैं उस राज्य के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तो इससे 4 से 7 प्रश्न बनते हैं। करंट अफेयर्स 4 से 5 प्रश्न। स्टैटिक जीके, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी 6 से 10 प्रश्न या 12 प्रश्न तक पूछ लेता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने पाठ्यक्रम की शुरुआत कहाँ से करेंगे। हम लोग अपने पाठ्यक्रम की शुरुआत संविधान से करेंगे क्योंकि संविधान एक ऐसा विषय है कि अगर इससे 3 से 5 प्रश्न पूछ रहा है और आपने अगर संविधान को अच्छे से पढ़ लिया है तो जितने भी प्रश्न 3 से 5 पूछ रहा है वो आपके 99% प्रश्न सही होंगे ही होंगे, 99% आपके प्रश्न सही होंगे ही होंगे। ये आपका जीएस में कॉन्क्रीट मार्क्स दिला देगा, 3 से 5 प्रश्न अगर पूछ रहा है तो आपके सही हो ही जाएंगे। फिर इतिहास, इसके बाद भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके भी साथ में देखते चलेंगे। तो हम लोग की जो संविधान की क्लास का पहला लेक्चर रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। टॉपिक संविधान का संक्षिप्त परिचय, भाग और अनुसूचियाँ, जो कि डायरेक्ट कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है और कई वनडे एग्जाम की परीक्षा में पूछे भी गए हैं। जैसे 1 से लेकर 12 अनुसूचियाँ होती हैं, तो मान लीजिए चौथी अनुसूची पूछ देगा कि चौथी अनुसूची में क्या है, जैसे एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा एक्सेट्रा। 1 से 12 तक अनुसूचियाँ हम लोग देखेंगे। भाग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो भाग को यहाँ भी पढ़ लेंगे, फिर जब संविधान संक्षिप्त में अभी पढ़ रहे हैं, जब विस्तार से पढ़ेंगे तो वहाँ भी भाग को पढ़ लेंगे। तो अनुसूचियाँ और भाग वाला टॉपिक हम लोग पहली क्लास में ख़त्म करेंगे। तो
जिन्होंने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही वीडियो पड़ेगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा ताकि आप आसानी से क्लास कर सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।